हाय गाइस, माय नेम इज़ अनुज जिंदल। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग यूजीसी नेट के 21 जून को मॉर्निंग और आफ्टरनून सेशन में, स्पेशली मॉर्निंग सेशन में जो पेपर हुआ है उसकी बात करेंगे, आफ्टरनून सेशन की शाम को बात करेंगे इफ़ दी स्टूडेंट्स रिवील टू अस ऑल दी क्वेश्चंस। तो मॉर्निंग सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन मुझको मिल गए हैं एंड स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग दी एग्ज़ाम्स फर्दर, जिनका भी 22 से लेकर 28 तक का पेपर है, उनके लिए स्पेशली ये क्वेश्चन बहुत यूज़फुल रहेंगे। इट विल इंक्रीज दी प्रिडिक्टेबिलिटी दैट यू हैव फॉर द एग्जामिनेशन। जो स्टूडेंट्स ने आज मॉर्निंग सेशन में एग्जाम लिखा है, ये उनके लिए भी यूजफुल हैं बिकॉज दे विल गेट टू नो कि उनके कितने मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली बन सकते हैं। सेकेंडली, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी कि वो कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स और इन एडिशनल क्वेश्चन जो भी उनको मिले हैं वो डालें। एंड एट द सेम टाइम, जब भी पेपर आएगा, जब भी क्वेश्चन पेपर रिलीज होगा, तो उस क्वेश्चन पेपर को शेयर करें, बिकॉज उस क्वेश्चन पेपर के थ्रू हम लोग पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, सो दैट इट हेल्प्स यू इन फर्दर एग्जामिनेशन। मान लीजिए आपका नहीं होता है, या स्टूडेंट्स का जिनका नेट होता है, JRF नहीं होता है, दीज थिंग्स विल हेल्प दो स्टूडेंट्स अलॉट। ओके, सो डू नॉट थिंक कि आपके शेयर करने से किसी और का फ़ायदा होगा, आपका ही फ़ायदा होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दी टूडेज डिस्कशन। आज मॉर्निंग सेशन में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, तो आज हम लोग, जैसे मैंने कहा, मॉर्निंग सेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले, कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं फॉलो किया गया। दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज नेट NTA नेट ने बोला था, NTA ने बोला था दैट 5 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम एवरी सेक्शन। 10 से 11 सेक्शन उन्होंने दिए और उन्होंने बोला 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर एक सेक्शन में से, बट द सेम हैज़ नॉट बीन फॉलोड। तो कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं था। देयर वर मोर क्वेश्चंस फ्रॉम टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। टीचिंग में से और रिसर्च में से ज़्यादा क्वेश्चंस थे। सेकेंडली, जो एरियाज ईजी थे उनकी बात कर लेंगे। DI, लॉजिकल रीजनिंग, हायर एजुकेशन पॉलिटी, ये एरियाज बहुत ईजी थे आज। बट एट द सेम टाइम रिसर्च वॉज डिफिकल्ट, पीपल एंड एनवायरमेंट वॉज डिफिकल्ट, एंड कम्युनिकेशन वॉज ऑल्सो डिफिकल्ट। ये तीन एरियाज डिफिकल्ट थे। अब कुछ क्वेश्चंस उठा लेते हैं जो मैं स्टूडेंट्स के थ्रू कलेक्ट कर पाया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था फुल फॉर्म ऑफ ICT। ऐसे ही ज्ञान की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी, फुल फॉर्म ऑफ GIAN। व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व्ड, व्हेन इज एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व्ड, ये क्वेश्चंस थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे कोई क्वेश्चन नहीं था, ये हम लोगों ने रिसेंटली डिस्कस किया था। वी आर एक्सपेक्टिंग कि क्वेश्चन आएंगे, बट इसमें से क्वेश्चन नहीं आया। प्रॉबेबली जो अभी आगे एग्जाम्स होंगे उसमें क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप एटलीस्ट उसको एक बार वीडियो देख लीजिए या पढ़ लीजिए ज़रूर, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन इट। एक या दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कुछ रिपीट हुए थे, तो ध्यान रखें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ना मिस आउट करें, स्पेशली दिसंबर 2018। तो जो स्टूडेंट्स आगे लिखेंगे या जिनका नेट हो जाएगा, JRF नहीं होता है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इज़ वेरी लेस। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है कई बार नेट से JRF तक जाने के लिए। ओके, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन था जिसमें दो ऑप्शंस थे कि MDGs वर इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2010 एंड MDGs अप्लाई टू द होल वर्ल्ड। तो ये क्वेश्चन था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर। तो जो स्टूडेंट्स खाली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स करके गए, उनके लिए ये एक टीचिंग है कि खाली SDGs मत करो, पिछला पूरा जो भी ट्रेल है या फिर जो भी चेन है डेवलपमेंट गोल्स की, वो पूरी करके जानी ज़रूरी है। वॉट इज़ VLE की फुल फॉर्म भी पूछी गई थी। एक क्वेश्चन मैथ्स थे ऐसा था कि x इज 25% मोर देन y, तो रेशियो ऑफ y:x पूछा था, नॉट x:y, y:x। एक क्वेश्चन था दैट 5% किड्स हैव डाइड बिकॉज ऑफ सम डिजीज, और पूरा गांव, जो भी रिमेनिंग लोग हैं वो छोड़ देते हैं गांव को, और जो लोग छोड़ते हैं उनकी संख्या है 4,700। तो 100% पॉपुलेशन बिफोर द किड्स डेथ वॉज हाउ मच। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई भी ईजिली कर सकता है। मीनिंग ऑफ ब्रेन ड्रेन पूछा गया था, दैट वॉज ऑल्सो एन ईजी क्वेश्चन। इंस्टीट्यूट विच प्रोमोट्स रिसर्च एंड प्लानिंग मैनेजमेंट, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है जो रिसर्च एंड प्लानिंग मैनेजमेंट प्रोमोट करता है। विकीपीडिया क्या है, ये क्वेश्चन था। आई थिंक सबको ही पता है, सब विकीपीडिया रेगुलरली यूज़ करते हैं, तो विकीपीडिया वाला एक फ्री क्वेश्चन मान लीजिए आप। सरफेस ओजोन इज क्रिएटेड बाय विच गैस, कौन सी गैस सरफेस ओजोन क्रिएट करती है, CFCs, HCFCs, ये भी करंट से कनेक्टेड है क्वेश्चन। तो अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ते हैं तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन बहुत आसान है, क्योंकि करंट में रिसेंटली लास्ट ईयर ही HCFCs और CFCs का कुछ डिबेट चल रही थी वर्ल्ड फोरम में।
DI was based on combination of averages and percentages. DI बहुत आसान था. देखिए यहाँ पर थोड़ी सी contradictory बात है. क्वेश्चन आसान था बट दो कॉन्सेप्ट्स को एवरेजेस एंड परसेंटेजेस इन दोनों को मिक्स किया गया था. तो ये ध्यान में रखना है कि दो कॉन्सेप्ट अगर दिख रहे हैं तो घबराना नहीं है. क्वेश्चंस आर इजी. सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन था. क्वेश्चन अभी मिला नहीं है. ज्ञान फुल फॉर्म में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि पूछा गया था. MDG के गोल्स टोटल 8 गोल्स थे. उनमें से एक गोल पूछा गया था. कोई क्वेश्चन था. क्वेश्चन पूरा नहीं है बट ये पता है कि गोल के बारे में पूछा गया था. ऐसे ही SDGs के 17 गोल्स हैं. तो अगर आपने अभी ये 17 गोल्स नहीं पढ़े हैं तो इनको पढ़ लीजिए. इसमें से क्वेश्चन आ सकता है. वन क्वेश्चन फ्रॉम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP से क्वेश्चन था. बहुत आसान सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग. जियोफिजिकल हैजर्ड्स क्या होते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया था. एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी. एक एग्जाम्पल लिया गया था कि एक प्लेन रनवे पे खड़ा हुआ है तो वो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट कर रहा है या काइनेटिक एनर्जी जनरेट कर रहा है. ये क्वेश्चन था. पॉलिटी से, इंडियन लॉजिक से, ब्लड रिलेशन से, अरेंजमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं था एज पर सम स्टूडेंट्स. बट एज पर सम स्टूडेंट्स पॉलिटी से एक क्वेश्चन था विच वॉज वेरी ईजी. विच 5-year plan फोकस्ड ऑन हायर एजुकेशन ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था. वॉट इज़ स्पाईवेयर ये क्वेश्चन था कि स्पाईवेयर क्या होता है. ये कंप्यूटर्स का क्वेश्चन हो गया ICT का. ज्ञान की फुल फॉर्म हम बता चुके हैं क्या है. वॉट इज़ कन्वेंशनल एजुकेशन. कन्वेंशनल एजुकेशन क्या होती है ये क्वेश्चन था. बहुत आसान सा टीचिंग का क्वेश्चन. बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा. क्या क्या बैरियर्स होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के. और एक क्वेश्चन था Rio 20+ से कनेक्टेड. ओके अब थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं ब्रीफ सा. एक क्वेश्चन सॉरी बाइनरी कन्वर्जन से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना था. न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन हो गया बट वेरी इजी. तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट स्टैट्स स्क्वायर ऑफ अपोजिशन विच इज़ बेसिकली ऑल एज आर बीज ऑल बीज आर सीज. ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जो कि डायग्राम वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व होते हैं जो मैंने यूट्यूब पे रेगुलरली डिस्कस किए हैं उसमें से एक क्वेश्चन था. मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स मैं बता ही चुका हूँ. आर्ग्यूमेंट्स में से क्वेश्चन था. वेन डायग्राम में से क्वेश्चन था. कोडिंग डिकोडिंग में से भी क्वेश्चन था. इंडियन लॉजिक ब्लड रिलेशन नंबर सीरीज कवर नहीं किए गए थे तो फ्यूचर एग्जाम्स में ये पूछे जा सकते हैं स्पेशली. ठीक है ये तो हो गया पेपर वन की बात. अब जो स्टूडेंट्स पेपर टू इकोनॉमिक्स आज दे के आए हैं उनके भी कुछ क्वेश्चन मुझे मिले तो उन क्वेश्चन को भी पिकअप कर लेते हैं. जो स्टूडेंट्स फ्यूचर में सोच रहे हैं इकोनॉमिक्स ऑप्शनल से एग्ज़ाम देने की उनके लिए ये यूज़फुल होगा. विच कॉन्फ्रेंस फाइनलाइज्ड UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन सी कॉन्फ्रेंस में फाइनलाइज हुआ था. विच 5-year plan फोकस्ड ऑन हायर एजुकेशन. कौन सा 5-year plan हायर एजुकेशन पे फोकस करता है. अकॉर्डिंग टू मी दी आंसर शुड बी थर्ड. हमने डिस्कस किया और ये कंक्लूजन निकला कि थर्ड इज़ दी क्लोजेस्ट वन. लिक्विडिटी अप्रोच का मतलब क्या है. बहुत आसान सा क्वेश्चन है. प्लेजरिज्म का मतलब क्या होता है. अब ये क्लियर नहीं है कि प्लेजरिज्म पेपर वन में था या टू में था. अकॉर्डिंग टू मी ये पेपर टू में नहीं होना चाहिए. दिस शुड बी इन पेपर वन. पेपर वन में ये पूछा जाना चाहिए. सो इसको पेपर वन में डाल सकते हैं. व्हेन डिड RBI मेड रुपी फुली कन्वर्टेबल. 1994. आसान सा क्वेश्चन है बहुत इंडियन इकोनॉमी का. लिक्विडिटी अप्रोच इज ऑल्सो कॉल्ड एज. एक और क्वेश्चन था कि लिक्विडिटी अप्रोच को और क्या बोलते हैं. TRIPS प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट्स फॉर हाउ मेनी ईयर्स. ये अगेन ये वाला जो क्वेश्चन है ये मेरे हिसाब से पेपर वन का होना चाहिए बट वी आर नॉट वेरी श्योर. इमर्सराइजिंग ग्रोथ थ्योरी वॉज गिवन बाय हुम. जगदीश भगवती ने दी थी. बहुत ही पॉपुलर सी थ्योरी है तो अगर आप इकोनॉमिक्स ऑप्शन हैं आपको पता होना चाहिए. कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से भी एक क्वेश्चन आया था. क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली अभी नहीं पता है. तो ये 9 क्वेश्चन हम लोग गैदर कर पाए इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के. जिसने भी आज एग्ज़ाम दिया है जैसे ही आपका एग्ज़ाम का पेपर आता है क्वेश्चन पेपर का PDF आता है ज़रूर उसको शेयर करें क्योंकि उसको शेयर करेंगे हमारे साथ तो हम उसको एनालाइज करके एटलीस्ट आपको बता सकते हैं कि आपने कहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया है कहाँ पर ख़राब परफॉर्म किया है सो दैट यू कैन इम्प्रूव फर्दर. नेट आता है जो JRF में कन्वर्ट करना है. JRF आता है तो एक और ऑप्शनल में JRF अगर लेना है फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेशली कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स मैनेजमेंट में अगर आपके पास JRF होगा तो आपको एडवांटेज है. मैनेजमेंट भी है HRM में JRF होगा इट्स अ फर्दर एडवांटेज. तो मल्टीपल आप JRFs या मल्टीपल नेट्स भी ले सकते हैं. देर इज़ नो ऑपोजिशन और देर इज़ नो लिमिट ऑन दैट. ओके तो इट्स कम्प्लीटली लीगल. तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नेट और JRF आपके पास हों जिससे कि जब आप कल को कहीं पर एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएँ या फिर PhD वगैरह के लिए जाएँ यू कैन हैव एन एडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स. ओके
For that, you need to have a regular analysis of whatever is coming in the exam. तो अपनी PDFs paper 1 और paper 2 की ज़रूर comment section में डालें जब भी आपका result आता है, या फिर आप success@anujjindal.in या फिर info@anujjindal.in इस पर भी शेयर कर सकते हैं. उस पर डालेंगे, जैसे ही PDFs आएंगी मैं इमीडिएटली उसका एनालिसिस करवाऊँगा और ख़ुद भी करूँगा, एंड वील मेक श्योर कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का इससे फ़ायदा हो. ओके, ऑल द वेरी बेस्ट.